आपको ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। पहले ही मैंने ड्राइंग के ऊपर 3-4 वीडियो बनाई हैं, जिन दोस्तों ने वो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन 3-4 वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा। ये मेरे पास एक ड्राइंग है और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी 14 मीटर चौड़ाई है, अरबी में लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ बिल्डिंग की बार बार से। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 15 मीटर, यहाँ से 15 बाई 14 की ये एक बिल्डिंग है और ये सिंगल फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी है सीढ़ी और एक दरवाज़ा यहाँ से होगा, ये डोर जो है, और एक होगा यहाँ से, ये जो मर्द वगैरह हैं यहाँ से आएंगे, इंटर हो जाएंगे और यहीं से वापस चले जाएंगे। और ये जो दूसरा है ये औरतों के लिए रखा गया है, ये औरतें आएंगी यहाँ से अंदर होंगी और यहीं से होके ऊपर चली जाएंगी, अगर कहीं किसी को काम हो तो यहीं से ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ सीढ़ी के सामने, बिल्कुल यहाँ से इंटर होंगे। अभी इसकी शटरिंग हुई है, हमने पैपिंग की है ऊपर, और यहीं से होके ऊपर चले जाएंगे। इसकी शटरिंग हो चुकी है और इसकी जो है पैपिंग हमने कर दी, आपको पैपिंग भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे इसका जो है मजलिस रिजाल, यानी कि मर्द जो हजरात हैं वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से होके यहाँ पे बैठ जाएंगे। इस एक कमरे की जो है लंबाई 4 मीटर और जो है सॉरी चौड़ाई 4 मीटर और लंबाई जो है वो 6 मीटर, और साथ में ये हो गई कॉरिडोर हमारी, यहाँ से आके आगे भी जा सकते हैं। ये इनका मेन है, यहाँ पे टीवी वगैरह होगा और बैठने की जगह है, ठीक है। और साथ में ये हो गया वॉशरूम, 1 मीटर 50 सेंटी इसकी चौड़ाई और लंबाई 1 मीटर 80 यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हो गया बेसन, मीटर हाँ 4 मीटर 50 सेंटी और लंबाई इसकी 5 मीटर 20 सेंटी, ये इसकी लंबाई है। और यहाँ पे इसका होगा दरवाज़ा, यहाँ पे होगी मतबख यानी कि किचन, किचन जो है हमारी 4 बाई 4 की है, 4 मीटर यहाँ पे चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई। और साथ में ये है गुरफा नोम यानी कि सोने का, ये भी कमरा हो गया, तो इसकी भी 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई। बाकी जो है इसके स्विच जो है यहाँ पे लगेंगे, 1 गैंग 2 गैंग 3 गैंग, वो भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक वॉशरूम हो गया, यहाँ पे बेसन होगा और यहाँ पे हो गया गुरफा नोम 4 मीटर और 5 मीटर, ये सेम ही है, ये भी 4 मीटर और 5 मीटर, ये भी एक गुरफा है, ठीक है सोने का। और ये होगा हमाम, यहाँ से इंटर होंगे, यहाँ पे आएंगे पहले और यहीं से आप अंदर भी जा सकते हैं, यहीं से यहाँ ही पे जा सकते हैं, और यहाँ से लेकर किचन में, इस कमरे में और इस कमरे में भी, यानी कि एक ही रस्ते से यहाँ से भी अगर आप आएँ तो सब रूम में आप जा सकते हैं। तो दूसरी है जी लाइटिंग की, तो यहाँ पे इसके हैं सिंबल अरबी में लिखे हुए हैं, ये हमारा 1 गैंग 2 गैंग 3 गैंग, ठीक हो गया। और ये हमारे लाइटों के जो हैं सिंबल बने हुए हैं, ये टूब और ये जो झूमर वगैरह होते हैं उनके, और सभी के यहाँ पे जो हमने उन्होंने बनाए हुए हैं पहले से ही। और आखिर में ये पैनल का है, पैनल का, और नीचे जो है वो टू वे का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कमरा है, इसके उन्होंने 2 गैंग के 2 स्विच लगाए हैं, ठीक हो गया 2 गैंग के 2 स्विच। और साथ में ये जो है इन्होंने यहाँ पे एक सॉकेट है और यहाँ पे एक सॉकेट दिया, यहाँ पे एक है और 2 सॉकेट इन्होंने यहाँ पे दिया। ये जो नीले कलर के हैं ये इनके पिलर हैं अमूद, ठीक हो गया उसमें। तो ये हमारी बाहर जो है, ये हमारी बाहर जो है एक लाइट आएगी, ठीक है, इसका 1 गैंग स्विच, सॉरी 2 गैंग 2 गैंग, यहाँ पे आप देखें तो 2 होंगे निशान, सही है। अगर 1 गैंग होगा तो यहीं पे 1 होगा, जैसे कि यहाँ पे है 1 गैंग, ठीक है, और साथ में 2 गैंग 3 गैंग, ये हमारा 2 वे का होगा, वो ऐसे सिंबल होगा, ये जो नीचे है आखिर में 2 वे का। और इसी तरह हमारे हर रूम के अंदर
ये देखिए 1 2 3, यानी कि तीन लाइटें और टू गैंग, और ये सॉकेट हो गया। ठीक हो गया दोस्तों, इस तरीके से ये ड्राइंग है। और ऊपर आपको जो है जो हमने पैकिंग की है वो भी दिखाता हूँ। ये पीवीसी नहीं है, ये दूसरा पाइप है, ये इस कलर का। यहाँ पे पैपिंग होगी सारी। और यहाँ पे आएगा पैनल, और ये हमने दो ऊपर पैप लगाए हैं। ये होगा ये हमारा पैनल, और हर रूम की एक एक मेन आएगी। ठीक हो गया, जैसे कि ये हमारा एक रूम है, और इस रूम के अंदर यहाँ पे हमारी एक आएगी मेन, यहीं से मेन आएगी और वो किसी भी पैनल में चली जाएगी। हर रूम से एक हमारी जो है मेन आएगी, जैसे कि ये हमारा रूम है, इस रूम से भी हमारी एक गई पैनल में, सीधी पैनल में। हर रूम में से एक हमारी पैनल में जाएगी, और ये हमारी हो गई छत के अंदर। आपने आपको दिखाई थी पहले तीन लाइटें, एक दो और ये होगी तीन, यहीं से डाउन होके यहाँ पे हमारे शौच आएंगे, सही हो गया। और यहीं से निकल के हमारे एक उस दीवार में जाएगा सॉकेट के लिए, और एक उस दीवार पे सॉकेट के लिए। ये बाकी जो है पैपिंग मुकम्मल हो चुकी है, और बाकी जो मैंने ड्राइंग के ऊपर वीडियो बनाई है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो।